चल रही है, लेकिन एक बात, माहिरा खान सुपरस्टार हमारे साथ हैं और बिलाल अशरफ हैं और फिल्म है सुपरस्टार। आज के दिन आप सब ने जाके देखनी है, जिन लोगों ने देख लिया ज़रूर हमें बताइएगा कैसी लगी। आई एम श्योर अच्छी लगी होगी, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे जहन में है जो हम पूछना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, क्यों गिराया माहिरा खान को आपने? क्यों इतनी प्यारी नाजुक क्यों मुझे लेके? मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली एक रेन का सीक्वेंस था, इन दिनों का एक गाने का एक कट था, और मायरा ने बोला कि देखिए मैं एक दफ़ा गिर चुकी हूँ और अगर मैं दूसरी दफ़ा गिरूँ और वो भी बारिश में तो फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। तो फिर मैंने सोचा कि फिर दूसरी दफ़ा गिरा ही दूँ मैं, क्या क्या। बट इन ऑल ऑनेस्टली मैं स्लिप हुआ, आई वॉज होल्डिंग अ हैंड और मैं इसको लेके गिरा और मैं इसको लेके गिरा और फिर मुझे लगा कि मैं उसको कुछ बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरा सर इतनी जोर से जमीन पे लगा कि मुझे याद नहीं है दो चार सेकंड के लिए क्या हुआ। लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि हमारे मेगा आर्टिस्ट हैं बाबर, हम ऑलरेडी गिरे हुए थे, हमारी बुरी हालत थी और वो गर्म गर्म कॉफ़ी लेके आए और उन्होंने रेलिंग पे हाथ रखा, वहाँ से फिर करंट लगा और फिर कॉफी गिरी हमारे हमारे पर। तो आप सोच सकते हैं, अब आप ये इमेजिन करें, सोचे कॉफी करंट नहीं, ये आप सोचिए टॉम एंड जेरी वाला सीन नहीं होता, ओके दोनों डिश करके गिरे, फिर एक और आया जेरी या जो भी और उसके हाथ में कॉफी और उसने यहाँ हाथ रखा, सॉरी मैं बहुत ज्यादा नॉइस तो नहीं कर रही, नहीं बिल्कुल। अच्छा, फिर उसने हाथ यहाँ रखा, उसको करंट लगा, करंट लगा, कॉफी गिरी। It was just like insane insanity. और कॉफी मुझ पे गिरी। Oh my God! पहले आप गिरे, पहले कॉफी आपके ऊपर, पहले ये गिरे, ये मुझको लेके गिरे, हम बारिश में गिरे, फिर हमारे मेकअप आर्टिस्ट और सब भागते हुए एक्चुअली आए थे, मगर सबसे पहले मेरे मेकअप आर्टिस्ट आए कि हाय अल्लाह मेरी हीरोइन हीरोइन गिर गई। वो भागते हुए आए, बट वो भी हीरोइन, तो उन्होंने कप की कॉफी गिरा दी, उन्होंने जो हाथ लगाया उसको तो उनको करंट लगा तो कॉफी गिर गई। अब आप मुझे बताएं, यानी बहुत कुछ गिरा, यानी फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है इंशाल्लाह। आपके मुंह में मीठी वाली कॉफी, हाँ मीठी वाली कॉफी और चॉकलेट और कैंडीज और सारी घी शक्कर, ओके इंशाल्लाह घी शक्कर। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये सारी जो फिल्म थी, गाने शूट हुए, सब कुछ हुआ, और जो बारिश वाला सीन होता है बहुत ही ट्रिकी होता है जैसे आपने बताया, तो ये जो सीन था क्या इस पर बहुत से रिहर्सल्स हुए, बहुत से जैसे फंबल हो जाता है तो बार 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 लगे रहो एक सीन पे, कौन सा सीन था? वो भी मसला मेरा ही था, इनका तो नहीं था फंबल का, क्योंकि मैं लिप सिंक जो है, ओ लिप सिंक, हाँ नहीं नहीं ये पश्तो की लिप सिंक तो बहुत अच्छी कर लेते हो आप, वो खैर लेकिन लिप सिंक नहीं हो रही थी इस गाने। Actually, you have to tell me. ये तो लंबे लंबे गाने हैं ना। अच्छा, और एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मैंने सारे इंटरव्यूज में कहा है लेकिन आपको भी बता देती हूँ। अच्छा, कि ये है भाई 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 जो है वो अपने मर्जी का मालिक है, जब चाहता है गाता है, जब चाहता है नहीं गाता। हाँ हाँ, ये आप देखिएगा जब लिप सिंक होता है तो वो आधा गाना छोड़ देता है। ओके, यस, सो ये भाई का ये स्टाइल। कौन सा गाना था भाई वाला? ये सारे गाने में भाई का वैसे भाई लोग वाला इन्होंने वो। अच्छा मायरा, हम क्या करेंगे, बिलाल कैन यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग, दो लाइनें। हाँ नहीं, आपको गाना लगाना चाहिए और इनको लिप सिंक करानी चाहिए। मैं वैसे ही गाते पहले गा दे, फिर हम लिप सिंक में आगे पीछे कर लेंगे। लिप सिंक आगे पीछे हो रहा है मेरा। तो अनजाना जो है गाना, उसका एक छोटा सा है जो बस पोस्टर में लिखा, क्यों तेरी तरफ को चाके चा चला गया, दूसरों से तू लगे जुदा। ओके, सही है ना? मैं तो ताली यू करके शुरू करने वाली थी। मेरा गाना खत्म हो गया, बस ये इनका गाना खत्म। देखिए ये भाई का स्टाइल है ना, इसको रहने दे स्टाइल, ये हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के भाई। दो 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 लाइनें गाते हैं और फिर दैट्स इट। क्या बात है आप जी, अब मायरा को तो जाहिर है गाने और डायलॉग्स याद होते हैं। मुझे सिंगिंग और डांसिंग का बचपन से शौक। नहीं, आई लाइक लिप सिंकिंग और याद होते हैं। विच वन इज योर फेवरेट सॉन्ग टू लिप सिंक? टू बोथ। अच्छा, फॉर मी बेकरां विल, मेरे लिए बेकरां की जो, I think for me Bekara as well. Bekara, and it's the first song we shot. Achha. Ji. Okay. To. Okay. कुछ है उसमें। मैं और बिलाल एक दूसरे को नहीं जानते थे। हम we had to
एक एक ऐसा गाना है जो इस तरह कोरियोग्राफ निगा जी ने किया है कि वो एक्चुअली बहुत मुश्किल कोरियोग्राफी है. अच्छा जी, क्लासिकल का नहीं जी. बेकरा इज वेरी बॉलरूम डांस ऑलमोस्ट, लेकिन देसी एक उसमें. तो उसको उसके लिए दो लोगों का इनसिंक होना बहुत जरूरी था. फ्लो हाँ, एक को केमिस्ट्री होना जरूरी. ईद उल अज़हा फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खाना होता है, मीट होता है. डू यू आर यू काइंड ऑफ मीट पर्सन? यू लाइक टू ईट मीट? ओह मैं जब पूछता हूँ बर्गर खाना है, कौन सा खाना है, चिकन खाओ, नहीं मुझे बीफ बर्गर चाहिए, मुझे गोश्त चाहिए, गोश्त गोश्त चाहिए, हमको गोश्त खाना है. तो गोश्त पर्सन. अच्छा, तो गोश्त जो है वो बारबेक्यू हो, सालन हो, पसंद है किसी भी फॉर्म में हो, गोश्त होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए. अच्छा ये हाँ, दैट्स ट्रू. और अगर इसके साथ चावल हो जाए, ओहो भाई, मेरा गोश्त और चावल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके. नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब मुझे गोश्त, देखें अगर आप मुझे कहें कि चिकन सालन या गोश्त, गोश्त बीफ बर्गर या चिकन बर्गर हाँ, फ्राइड चिकन बर्गर अलग बात है. और जैसे मुझे चुकंदर गोश्त बहुत मजे का लगता है. आप पका सकते हो कुछ? नहीं. आई हैव यू एवर ट्राइड? यस, इन कॉलेज आई यूज्ड टू कुक. रियली? जी. क्या बनाया? मैं कढ़ाई बनाती थी, मैं टिक्के बनाती थी, मैं दाल बनाती थी. अरे अरे, बड़ी सुगर बच्ची है ये तो, हमारी सुपरस्टार है. हमें आज तक नहीं खिलाया है ना. हां, कॉलेज में बनाती थी ना. अब बिलाल को कॉलेज किसी दिन वो कॉलेज की रिकॉल करें मेमोरीज. ठीक है, तुम आना, मैं तुम्हें फ्रेंच टोस्ट बना के. चक नो कराएगी. ये दो अंडे, फ्राइड अंडे खाओ. हाँ नहीं नहीं, चलो मैं तुम्हें बॉयल्ड अंडे खिलाऊंगी. मैंने बहुत खाए हैं. एग्जैक्टली. और बॉयल्ड भी, हाफ बॉयल्ड. हाँ, तो मोस्ट अच्छा वो ट्रिक है. दैट्स ट्रिक. गुड वन, गुड पॉइंट है ना. हाँ, चैलेंज. व्हेनेवर आई बॉयल एग, हाफ बॉयल, ऑलवेज उसके जो होता है वो पक जाता है. अच्छा, उसकी ट्रिक है बड़ी. अच्छा, क्या ट्रिक है ये खाना बनाते हैं? बाय द वे, इनसे तो पूछे. ट्रिक से याद आया, खाना बना सकते हैं? बिल्कुल. अरे रियली, व्हाट डू यू लाइक टू मेक? कीमा, पराठा. पराठा गोल वाला या दुनिया का नक्शा? चिकन में अपने वो बनाता हूँ, कबाब बनाता हूँ चिकन के. अपनी ब्रेड बेक करता हूँ, अपने काफी से बनाता हूँ आइसक्रीम. यानी कुकरी शो नेक्स्ट. जो इस वक्त खवातीन देख रही हैं सब इंप्रेस हो रही होंगी, है ना जी. और आप मुझे भेजें एंट्रीज, रेसिपी. ये बहुत सुगर हमारे. और कहीं रिश्ता का तो नहीं सोच रही हैं आपके? आपको जी, अभी हम एक शो पे गए थे, वहाँ जो थी उन्होंने कहा था कि वो पढ़ रही थी ना एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट. एस्ट्रोनॉमी, व्हाट वाज शी, न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजी, या शी वाज रीडिंग हिज नंबर्स एंड शी सेड कि इनकी शादी होने वाली है. क्या जी, रियली? यस. चलें, उन्होंने ऐसा कहा. तो डू यू थिंक, डू यू बिलीव इन दिस? व्हाई नॉट, केमिस्ट्री एंड ऑल. नहीं, शादी में बिलीव करता हूं, केमिस्ट्री के बारे में. मैं तो कहती हूं अभी कर ले. देखिए दूल्हा बन के आए हैं आज हम लोग.